वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सीबीएसई ने अपने क्लास 10th और क्लास 12th का जो डेट शीट है, यानी कि टर्म 1 की जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी है। तो क्या है डेट शीट, कब कौन सा एग्जाम है, कौन सी तारीख को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप 10th क्लास का डेट शीट देख रहे हैं। पहले हम 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास का जो फर्स्ट पेपर है वो 30 नवंबर को रहेगा। फर्स्ट पेपर 30 नवंबर को और पेपर रहेगा सोशल साइंस का। टाइमिंग इसका है 11:30 to 1, पूरे 90 मिनट का पेपर है। पहला पेपर 30 नवंबर को सोशल साइंस का, दूसरा पेपर है 2 दिसंबर को, जो कि पूरे आपके 2 दिन का गैप, यानी तीसरे दिन आपका पेपर रहेगा। और पेपर किसका है, साइंस का है। इसका भी टाइम 11:30 to 1 है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो है वो नेक्स्ट पेपर है 3 दिसंबर को, जो कि होम साइंस का है। वो सभी बच्चों का नहीं होता है, तो इसलिए इस पेपर की आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो वैसे रहेगा 3 दिसंबर के दिन, ठीक है। फिर 4 दिसंबर को नेक्स्ट पेपर आपका किस कौन सा है, 4 दिसंबर, जो कि सबसे बड़ा पेपर माना जाता है, मैथमेटिक्स का पेपर। उसमें आपको कितने एक दिन का गैप मिलेगा, क्योंकि 2 को आपका 2 दिसंबर को पेपर है, 3 का आपको गैप रहेगा, और 4 दिसंबर को आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों का ही पेपर रहेगा, और टाइमिंग उसका रहेगा 11:30 to 1, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं तो अगला पेपर आपका रहेगा 8 दिसंबर को, यानी कि 4 दिसंबर के बाद 5, 6 और 7, 3 डेज का गैप रहेगा, और 3 डेज के गैप में आपका पेपर होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है, और वो रहेगा 11:30 to 1। इसमें काफी अच्छा गैप है, जो बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी पढ़कर इसको आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है 9 दिसंबर को, यानी कि ओनली कोई गैप नहीं है यहाँ पे, बिना गैप के ही अगला पेपर आपको देना पड़ेगा, जो पेपर होगा हिंदी का, ठीक है। इसका टाइमिंग भी आपको 11:30 to 1 रहेगा। और लास्ट पेपर जो कि 11 दिसंबर को है, जिसका ओनली 1 डे का गैप है, यानी कि 10 तारीख का गैप है, और 11 तारीख को आपको पेपर देना है इंग्लिश का, जो लिटरेचर इंग्लिश है उसका, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का पेपर रहेगा, और वो पेपर है 11:30 to 1। तो ये था 10th क्लास का डेट शीट, जो कि काफी अच्छा भी है। कुछ पेपर में ज्यादा गैप है, कुछ पेपर में कम गैप है, लेकिन इसीलिए आपको अभी बहुत टाइम है पढ़ने का, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो और अपने सभी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करके इस एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर सकते हो। चलिए कुछ नीचे चीजें दे रखी वो पढ़ लेते हैं, क्या है जो कुछ काम की चीजें। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 90 मिनट, सभी पेपर में 90 मिनट का गैप मिलेगा। पहले आपको रीडिंग टाइम 15 मिनट मिलता था, लेकिन अब रीडिंग टाइम आपको कितना मिलेगा, 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, यानी आपको 5 मिनट ज्यादा मिलेगा, आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हो। और विंटर सीजन, क्योंकि ये विंटर सीजन रहेगा, इसमें जो पहले पेपर 10:30 को शुरू होता था उसकी जगह पे अब 11:30 को पेपर शुरू होगा, ताकि बच्चों को सर्दियों से बचाव हो सके, ठीक है। तो इस तरह की कुछ खास बातें इसमें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी और कोई नई अगर अपडेट आएगी वो तो हम टाइम टाइम से आपको बताते रहेंगे। तो ये था 10th क्लास का डेट शीट। अब हम बात करते हैं हमारे 12th क्लास के डेट शीट की। तो चलिए चलते हैं हम 12th क्लास के डेट शीट का। तो जस्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है 1 दिसंबर को शुरू होगा। 12th क्लास का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, वो 1 दिसंबर को शुरू होने वाला है, और पेपर किसका रहेगा, सोशियोलॉजी का, ठीक है, और टाइम उसका है 11:30 to 1, ओके। नेक्स्ट पेपर 3 दिसंबर को होगा, और पेपर रहेगा इंग्लिश कोर का, टाइमिंग है 11:30 to 1, ओके, यानी कि यहां पर आपको ओनली 1 दिन का गैप मिला है, जिनका भी है। इसके बाद 6 दिसंबर को, यानी कि 4 और 5, ये 2 दिन का गैप है, और 2 दिन के गैप से आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना होगा। जिन भी बच्चों ने मैथमेटिक्स यानी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर देंगे 6 दिसंबर को, जो कि 11:30 to 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को रहेगा फिजिकल एजुकेशन, यानी जिन्होंने पीई ले रखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, जिन्होंने पीई ले रखा है उनको, उसके नेक्स्ट डे यानी 6 दिसंबर को आपका मैथमेटिक्स रहेगा, उसके दूसरे दिन जिन बच्चों ने पी ले रखा है फिजिकल एजुकेशन उनको आपको 7 दिसंबर को उनको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर 8 दिसंबर की बात करें नेक्स्ट पेपर की, तो 8 दिसंबर को इसका बिजनेस स्टडी का पेपर रहेगा, यानी कि इसमें ज्यादा गैप नहीं, जिन बच्चों ने यानी जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है उनको उसके नेक्स्ट डे पे ही बिजनेस स्टडी का पेपर देना पड़ेगा, यानी गैप यहां पर नहीं है।
नेक्स्ट पेपर है 9 दिसंबर को, जो कि है ज्योग्राफी का। ये आर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं, वो लेते हैं ज्योग्राफी का पेपर, तो उनको देना पड़ेगा 11:30 to 1 9 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद 10 दिसंबर की अगर बात करें हम, 10 दिसंबर को फिजिक्स का पेपर है, जिन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो यहां पर देखिए, फिजिकल एजुकेशन का पेपर उनका रहेगा 7 दिसंबर को, 7 के बाद उनका डायरेक्ट कब रहेगा 10 को, यानी कि 8-9 दो दिन का उनको गैप है, दो दिन के अंदर उसका उनका फिजिक्स का पेपर रहेगा, ठीक है। इसके हम आगे बात करते हैं 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को जो पेपर है वो साइकोलॉजी का पेपर है, तो ये भी वही बच्चे हैं जो जिन्होंने आर्ट्स ले रखा है उनके लिए है ये पेपर। इसका 13 दिसंबर की बात करें, 13 दिसंबर को अकाउंटेंसी का पेपर है, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी फिजिक्स अकाउंटेंसी ये पेपर है 13 को, यानी कि कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा गैप मिल जाएगा अकाउंटेंसी के पेपर के लिए, ठीक है। अगर हम 14 दिसंबर की बात करें, 14 दिसंबर को केमिस्ट्री का पेपर है, जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, यानी उनका जो 10 दिसंबर को है फिजिक्स का और 14 को है केमिस्ट्री का, इसका मतलब 11, 12 और 13 तीन दिन का गैप है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को केमिस्ट्री के पेपर के लिए, तो बहुत अच्छे से वो तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर 15 दिसंबर की बात करें, 15 दिसंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर है, देखिए यहाँ पे अकाउंटेंसी का पेपर था और यहाँ पे इकोनॉमिक का पेपर है, तो यहाँ 13 को या 15 एक दिन का गैप है, एक दिन के गैप में जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको ये पेपर देना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को जो है हिंदी का पेपर रहेगा, दोनों वाले हिंदी कोर और हिंदी इंग्लिश, ये 11:30 to 10:30 1 o'clock ये भी पेपर 16 दिसंबर को रहेगा, जो सभी बच्चों के लिए रहेगा। इसका 17 दिसंबर की अगर बात करें, 17 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा, जो ह्यूमैनिटीज वाले स्ट्रीम वाले बच्चे उनको ये पेपर देना है और उनका भी पेपर है 17 दिसंबर को रहेगा। अगला पेपर है 18 दिसंबर को बायोलॉजी का पेपर है, जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, मतलब बायो साइंस जिन ने ले रखा है उनको ये पेपर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे इनका पेपर था एक केमिस्ट्री का, यहाँ पर यानी कि 14 दिसंबर को केमिस्ट्री का पेपर था और उनको 18 दिसंबर को अगला पेपर इन्हें बायोलॉजी का देना है, तो 15, 16, 17 ये 3 डेज का उनको गैप मिल जाएगा बायोलॉजी के पेपर में, जिससे बहुत अच्छे से वो तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो 20 दिसंबर को हिस्ट्री का पेपर रहेगा, ये फिर इम्यूनिटीज वाले बच्चे हैं उनका ये पेपर है 20 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को पेपर रहेगा इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का, ये कंप्यूटर साइंस जिन्हें ले रखे बच्चों ने उनका पेपर रहेगा, ये है 11:30 to 1 o'clock के बीच में। लास्ट पेपर रहेगा 22 दिसंबर को, जो कि होम साइंस का पेपर है, जो अक्सर बच्चे नहीं लेते, बहुत कम बच्चों का होता होम साइंस, ये पेपर रहेगा 22 दिसंबर को और ये 11:30 to 10:30 आएगा। इसमें जो खास बात दे रखी है, जो 10th क्लास में वही बात यहाँ पर भी दे रखी है, कि ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 90 मिनट, जो पेपर रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। दूसरी बात ये कि पहले 15 मिनट टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब उनको टाइम कितना मिलेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर हम बात करते हैं इनके सब्जेक्ट, अगर हम बात करें इनके टाइमिंग की, तो पहले जो इस टाइमिंग था वो 10:30 था, यानी 10:30 पे एग्जाम शुरू हो जाता था, लेकिन अब 11:30 को एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि क्योंकि इस समय सर्दी का सीजन रहता है, इसलिए बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ये टाइम में 1 घंटे का अंतर किया गया। बाकी कोई भी अपडेट अगर इस प्रकार की आएगी आगे टाइम से रिलेटेड या पेपर से किसी से भी रिलेटेड, तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए ज्ञान। जय हिंद।